सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी गुड़ से आप सभी को सादर जय। करते हैं आज की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान कहता है, अपने तर्क से कहता है, वितर्क से कहता है, कुदरत से कहता है, संभव ही नहीं है। हवा में हवा से हल्की चीज तैर सकती है, उससे भारी चीज हमेशा नीचे गिरती है। न्यूट्रॉन का नियम भी है कि जो भी भारी होगी पृथ्वी की तरफ आएगी, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण। ये सिद्धांत है और इसमें लगभग सभी कुछ बैठता है, पर ज्ञान कहता है उसकी शुरुआत वहां से होती है जहां विज्ञान का बड़ा विराम लग जाता है। अब ये देखिएगा, टनों में वजन है इस अंतरिक्ष पारसनाथ प्रतिमा का। जब भी इस बारे की बात चलती है, कोई युवा आते हैं विज्ञान के रूप में, तर्क लेके आते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पे आके उस तर्क को फेल किया जाता है। देख रहे हैं आप, ये नीचे से लगाकर दिखाया जा रहा है कि देखो भाई, तुम्हारा विज्ञान तो कहता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, एक दूरी पर जाके गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की ओर खींचती है। कहते हैं ना, जब आप कोई बॉल हो कुछ चीज़ हो पर फेंकते हो, उतनी तेज गति से नीचे आती है, चाहे वो हवा में हल्की सी पतंग ही क्यों ना हो। जब धागे से हटती है तो वो भी फड़फड़ा गुजर उड़ के नीचे, क्योंकि जिसका वजन हवा से कम है नहीं है, जरा भी ज़्यादा है, वह नीचे आता है। पर ये टन से ज़्यादा वजन की प्रतिमा हवा में कैसे हो जाती है? सचमुच विज्ञान भी कान पकड़ लेता है इसके लिए। सचमुच यही तो है, कई कई प्रतिमाओं में गजब का अतिशय होता है। कहते हैं अतिशय वह होता है जो देवों द्वारा किया जाता है, और चमत्कार वह होता है जो मनुष्य द्वारा किया जाता है। तो फिर यह तो गजब का अतिशय है ना, यही है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिवपुर की पारस प्रतिमा, जो आज भी कहती है तुम अलग अलग समय मेरे भाई मेरा अभिषेक करते हो, बस इतना कर लो इस 2550वें महावीर स्वामी के महावीर निवास महोत्सव में कि एक हो जाओ, कम से कम बाहर एक रहो। घर में रसोई में बर्तन खड़कते जरूर हैं, पर बाहर जब जाते हैं तो थाली में होते ही वह स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में परोसे जाते हैं, फिर कोई भेद गिलास कटोरी चम्मच थाली के रूप में नहीं होता है। बस उसी तरह में अगर संप्रदाय अलग है, कोई बात नहीं, थाली के रूप में सजो, एक लगो अष्टद्रव्य की थाली के रूप में। और वो अजीबोगरीब रीति आपने कभी नहीं सुनी होगी, कहीं नहीं देखी होगी, ये श्रवण बेल के पास ना सानीलिया गांव के पास श्री कांचे की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये तीर्थंकर प्रतिमा को कैसे मिट्टी के अंदर से, ये है हमारे यहाँ पर जगत गुरु मात पितत्व चारुकीर्ति पतर स्वामी जी, ये गाँव के अभिशाप को दूर करने के लिए प्रतिमा की शुद्धि कर रहे हैं। कहते हैं इससे गांव पर जो कोप आ जाता है ना, जो गांव पर अभिशाप पड़ गया है, उससे इसका निवारण हो जाता है। ये बहुत पुरानी रीति है, और कहते हैं इस तीर्थंकर प्रतिमा को इस तरह करने से सचमुच वहां की जो दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, गांव में परेशानी आती है, वह स्वभावतः पूरे गाँव की दूर हो जाती है इन तीर्थंकर प्रतिमा में, जिसे तीर्थंकर रूप नहीं मानते, लेकिन ये कहते हैं यह इसी तरह की इनके स्थानीय भगवान है, चमत्कार प्रतिमा है, जो ऐसे अभिशाप को इस शुद्धि से दूर कर देती है। गजब की ये प्रतिमा है और गजब की ये बात है। कल रविवार है, छुट्टी नहीं, वर्किंग डे है। वर्किंग डे बाहर के लिए नहीं, अंदर के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। दिल्ली के अंदर वैसे पता है आपको, उदयपुर में दीक्षा हो गई, अभी छिंदवाड़ा में और अपने बड़ौत में होनी है, दिल्ली में कल होनी है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज के संघ के अंदर उनके द्वारा संभवतः चार जैनेश्वरी दीक्षाएं दी जा रही हैं उनको। हाँ, आपके लिए अवसर है पिच्छी और कमंडलू देने का, सौभाग्य प्राप्त करने का। कहाँ पर है? सीबीडी ग्राउंड कलकडुआ, सब जानते हैं, विवान मंडप के अंदर दोपहर को 1 बजे से होगा ये कार्यक्रम, जहाँ पर चार जिनेश्वरी दीक्षाएँ दी जाएंगी। सौभाग्य आपके पास भी है, पर हाँ खास बात कहते हैं, इस तरीके से अगर आप उनकी दीक्षा देते हुए हम ले तो नहीं पाते हैं, अगर देखते हैं तो छठा भाग पुण्य का अनुमोदना में हमको मिलता है, और असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। दिल्ली के ऐसे सौभाग्य ऐसे कम ही मिल पाते हैं, जब 1, 2, 3, 4 दीक्षाएं एक समय होती है, केशलों से शुरुआत होती है, गोद भरे का कर्म चल रहा है इस समय, और गजब की ये बात है, मत भूलिएगा आना परिवार के साथ। वैसे कहते हैं भजन भोजन की व्यवस्था तो जैन कर्म में होती ही है। हाँ, इसमें खास बात एक और है जो देख रही है, निगोद से सिद्धालय की यात्रा है इसके अंदर, बहुत बात, यानी निगोद से जीव निकलता है। हम सब ऐसे ही हैं, कितनी बार निगोद में गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, जानवर बने, राक्षस बने, नरक गए, स्वर्ग गए, पता नहीं क्या क्या करके आए हम भी, तो वैसे ही निगोद से निकलते हैं, नरक में क्या तकलीफ होती है उसका भी मंचन 42 मिनट के अंदर, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय संगी होने के बाद, फिर जैन कुल मिलने के बाद किसी तरीके से मुनि बनते हैं, दीक्षा लेते हैं और सिद्धालय जाते हैं, पूरी 42 मिनट की एक रोचक नाटिका भी आप देख पाएंगे, अपने जीवन को समझ पाएंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अपने में से एक सवाल, मैं कौन हूँ,
समझ पाएंगे इस निगोह से सिद्धालय की यात्रा में। बस कली की तो बात है, और अभी इस तरह से इनकी जगह जगह गोद भराई कार्यक्रम हो रहे हैं। परसों चैनल माली टीम भी ऋषभ विहार समाज गई थी, यहाँ पर चारों जैनेश्वर दीक्षा जिनकी होनी है उन भाव के साथ आचार्य श्री विश्व सागर के पास इस तरह उनका आशीर्वाद लेने, और वहाँ पर गोद भराई कार्यक्रम और भी कई कार्यक्रम हुए, जगह जगह हो रहे हैं, सूर्यनगर में हुआ, कृष्ण नगर में हुआ, इस तरह जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। और आज गड़धर वलय विधान सुबह हुआ है, शाम को आहार के बारे में प्रक्रिया होगी और कल दीक्षा की तैयारी है। वैसे ये संघ 51 पिच्छी का है, ये जानते हैं आप, देख रहे हैं यहाँ पर आरिका आराध्यमती माता जी को, बहुत ही गदा 51 का संघ है ना, कल से 55 का कहिएगा, 55 का संघ, वर्तमान में सबसे बड़ा संघ जो एक साथ संघ चल रहा है। पर हाँ, यहाँ देख रहा क्या कर रही हैं, पूरा का पूरा संघ ना अभी 2 दिन पहले ऋषभ विहार के अंदर इस तरीके से मोर जो स्वतः पंख छोड़ता है ना, अभी तक सुना था हमने, यहाँ पर देखा, उनको लेकर उनसे देखिए किस तरह मयूर पिच्छी बनाई जा रही हैं, सब माता जी बना रही थी यहाँ पर। दृश्य बड़ा ऐसा था जो मन को गदगद कर देता था, जब हर माता जी हर साधु इस तरीके से पिच्छी से पिच्छी बना रहे थे इन मोर पंखों से, गजब का दृश्य हर कोई, क्योंकि तैयारी हो रही है, किसकी हो रही है कभी बाद में बताएंगे। देखिए मध्यम सिंह निष्कित व्रत, हमने बताया था ना कुछ समय पहले आपको कि दिल्ली में ऐसे कौन तप करता है, देखिएगा 8 दिन के उपवास के बाद चले जब आहार के लिए, खड़ा भी नहीं हो रहा मुनि श्री संतृप्त सागर जी, तो कहते हैं ना गुरुवार जब हाथ पकड़ लेते हैं आचार्य सुनी सागर जी, तो कहते हैं जो उठ नहीं पाता है वह भी चलने लगता है, जा रहे हैं पड़गान के लिए, दृश्य मन को छू लेते हैं जब गुरुवर का सानिध्य मिलता है, और वो जब 8 दिन बाद खड़े होते हैं ना तो मात्र पानी थोड़ा सा ली जाता है, खड़ा नहीं हो पाते हैं, कैसी कठिन तपस्या होती है दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में। कटनी की गौशाला और न्यापक श्रवण मुनिषि समता सागर जी, देख रहे हैं आप, उद्बोधन दे रहे हैं, गौओं को पाठ पढ़ा रहे हैं, मंगल पाठ सुना रहे हैं, और कह रहे हैं देखो तुम्हारा कितना अच्छा सौभाग्य है, तुम यहाँ पर हो तो कम से कम कुछ सुन पा रही हो, मैं तुम्हें रोज दर्शन दे रहा हूँ। पर गजब की बात है, जरा सुनते जाइए, कहते हैं आज का जीव कल कब बदल जाए कह नहीं सकते, अरे पता नहीं किसके संस्कार का, जब एक सिंह मोक्ष जा सकता है तो ऐसी गौ ही नहीं, वह बुलाते हैं, नमोकार मंत्र सुनाते हैं और गजब के सुनाते हैं, पूरा सुनिए आप भी क्या भक्ति है गौशालाओं के साथ मुनिषि समता सागर साथ। दर्शन प्राप्त करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझो, एक बार सम्यक दर्शन आ जाएगा तुमको, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस पर्याय से भी छुटकारा मिल जाएगा, बढ़िया सब जीवों का भला हो, सब अच्छे से रहो, संपूर्ण जो भी है यहाँ पर इस गौशाला में सबके लिए अभयदान मिले, समाज अच्छी सेवा करती रहे और गौशाला फलती फूलती रहे अच्छे से, निरंतर कार्यकर्ता यहाँ के ध्यान रखे और सेवक जितने भी हैं गौशाला के, सारे सेवकों के लिए हमारा आशीर्वाद है, कोई भी कमी नहीं होगी, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद है, गौशाला ऐसे ही फलती फूलती रहे, कटनी की गौशाला है, कटनी दयोदय पशु सेवा केंद्र, फलता फूलता रहे, हमारा आशीर्वाद।